न्यूज चैनल देख रहे सभी दर्शकों को एक बार फिर जोरदार स्वागत है। अयोध्या विवाद को लेकर फैसले की घड़ी नजदीक आ चुकी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर से पहले कभी भी फैसला सुना सकती है। आइए पूरी खबर पर एक बार नजर डालते हैं, इनका बयान सुनते हैं। बहराइच नवाबगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत लालपुर के प्राथमिक विद्यालय में वह पढ़ाई कर रही कक्षा एक की छात्र वह ऊपर खलौता हुआ दूध गिरने से वही पर छात्रा बुरी तरह से झुलस गई है और साथ ही स्कूल टीचर ने बिना ही कोई इलाज करवाए छात्रा को स्कूल से घर भेज दिया है। जलालपुर में प्राथमिक विद्यालय कक्षा ए की वह 6 वर्षीय छात्र और छात्रा के लिए वही पर वह रूपा देवी पुत्री प्रमोद कच्छव और वह निवासी शंकरपुर को लिए वह रसोई के द्वारा खोलते दूध को दे देने से अचानक उसके पेट पर पैर पर वो दूध गिर गया है और जिसमें हाथ व पेट पर वह फूफले पड़ गए हैं और वह स्कूल प्रबंधन के द्वारा ही वह बिना प्राथमिक इलाज के उसको घर भेज दिया गया है और परिजनों ने स्कूल प्रबंधक पर वह लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि नियमित प्रधानाध्यापक राजेंद्र प्रसाद को वह दूध पीकर पहले वह तापमान की जाँच की जानी चाहिए, ऐसा ना के कारण भी और वह छात्र गर्म दूध से जल गई है। आज अयोध्या जनपद के पुलिस ऑफिसर्स और बॉर्डर के जिलों के एसपीस और इसके उपरांत मंडलीय कमिश्नर महोदय और डीएम साहब के साथ एक हमने लॉ एंड ऑर्डर के रिव्यू मीटिंग किया है और जिसमें लॉ एंड ऑर्डर और लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी के संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। कई प्रकार की तैयारियां हो रही हैं। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वैसे भी आपको यह देखने को मिलेगा हमेशा 365 दिन सिक्योरिटी का व्यवस्था बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर होता ही है और इसको और सुदृढ़ करने और जो लोग इसमें तैनात हैं उनका जो ड्यूटी निर्धारण सही हो, इनका ब्रीफिंग सही हो, इनका ट्रेनिंग सही हो, जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट उसका अद्यावधिकरण हो और नए इक्विपमेंट के खरीदने की बात हो, ये सब प्लानिंग लगभग पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और इसका निरंतर मॉनिटरिंग भी हो रही है और इसके बाद कुछ इंटेलिजेंस कलेक्शन भी किया जा रहा है और ज़िले में संयुक्त रूप से DMSSP इसके द्वारा हर ज़िले में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी मेजर्स कर रहे हैं और पीस कमिटीज़ भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं। फोर्स किस तरह से लगाई गई है, फोर्स किस तरह लगाई जा रही है, कितनी फोर्सेज आई यहाँ पर अभी तक? देखिए तो फोर्स तो सिविल पुलिस का भी कंपोनेंट होगा और PSC का भी होगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के भी होंगे, फिर इसके फोर्स मल्टीप्लायर्स के रूप में जो हम ट्रैफिक का भी और के वायरलेस का भी फायर सर्विस का भी ऑगमेंटेशन करेंगे, कुछ BDDA स्क्वाड्स हैं, एंटी सबडेस चेक स्क्वाड्स हैं और इस प्रकार का भी हम पूरा फोर्स आवंटित जितना की आवश्यकता है उतने की हमने आवंटित किया है और ये ड्यूटियाँ भी शुरू करें। लोगों में भय है सर, बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इस नए गाँव का बाजार बड़ा गर्म है, लोगों के अंदर बड़ा भय है, अपने घरों में राशन। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए